पहले खड़े हो, ध्यान रखो, किसी तीर्थ घाट के पास में एक भगवान गोविंद देव का मंदिर है, वो मंदिर में तब भूल कभी प्यार मत रखो। बोले एकदम मंदिर में ही है। बोले मंदिर में हो? बोले हाँ। बोले अगर वहां पर मंदिर में खड़े हो ना, कभी भी वो जो गोविंद देव है उनके तरफ में भूल से भी मत देखा करो। बोले भैया उनको सामने तो खड़े कर आप देख रहे हो उनको? बोले देख रहे हो? बोले खबरदार। बोले क्या है? बोले उनका जो मिट्टी मिट्टी मुस्कुराहट में विश्वास मत करो, वो मिट्टी मिट्टी मुस्कुराहट भी वो जादू है, और उनका जो तेरी चितवन है ना, वो तेरी चितवन वो तीर है, अगर इस पार में छेद करेंगे ना उस पार में निकल जाएगा, इसलिए खबरदार। वो जो तीन जगह में टेढ़े हैं, अगर कोई सीधा चीज वो अंदर में घुस जाए तो निकल जाएगा, लेकिन कोई टेढ़ा चीज घुस गया ना फिर वो निकलेगा नहीं। इसलिए रूप गोस्वामी सबको सावधान करते हैं, यहाँ मत आओ, और आओ तो अरे गोविंद देव का दर्शन मत करो। बोले किसको सावधान कर रहे हैं? बोले उनको सावधान कर रहे हैं जिनके संसार है, जिनकी बीवी बच्चे है। कहते अगर पति उनको देखेगा ना, एक बार अगर उसको देख लिया फिर तब ना पत्नी को भूल जाएगा। अगर उसका पत्नी अगर एक बार देख लिया वो पति को भूल जाएगा, अगर बेटा देख लिया तो पिता माता को भूल जाएगा, पिता माता देखे तो बेटे को भूल जाएगा। इसलिए वृंदावन में आकर के एक बार अगर उसको दर्शन कर लोगे फिर वृंदावन छोड़ कर कभी घर में नहीं आओगे। बोले राधे राधे बोल और वृंदावन में पागल होकर गुप्त रहोगे। इसलिए श्री रूप गोस्वामी मेंशन विशेष करके यही स्थान को कहते हैं, यहाँ पर नहीं आनी चाहिए। मतलब क्या बताओ? नहीं, वो कहते हैं अगर अपना जीवन को धन्य बनाना चाहते एक बार यहाँ आओ और जरूर किसी तीर्थ घाट में स्नान करो, और जरूर यहाँ पर आओ और एक बार गोविंद देव भगवान गोविंद देव को देखो, हैं? एक बार उनको देखोगे तभी तुम्हारी जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। इसलिए जो केसी तीर्थ घाट है, यहाँ पर बहुत सारी घाट है, बहुत सारी घाट है, जुगल घाट, केसी तीर्थ घाट, अलग अलग घाट, लेकिन सबसे जो श्रेष्ठ घाट होता है यार यही घाट है। यही पर कृष्ण केसी जो दैत्य को कृष्ण ने यही वध किया। इसलिए कृष्ण ने बहुत सारी राक्षसों को वध किया है, लेकिन जो केसी तीर्थ घाट में उनका जो अंतिम ब्रज का जो लीला है, जो राक्षसों को मारे उन्होंने यहीं पर, उन्होंने केसी दैत्य को उन्होंने यहीं पर वध किया। जब यहीं पर वध किया ना, यहीं पर नारद किया है। बोले प्रभु क्या कर रहे हो? अब आए क्यों? चीज का स्मरण तो करो। अब तो इसीलिए आए परित्राणया सदुनाम विनाशाय दुष्कृता, दुष्टों को विनाश करने के लिए, धर्म स्थापना करने के लिए। लेकिन एक आध कोई राक्षस आ जाए मार दे तो प्रभु अभी थोक दर का काम करो, थोक का काम करना शुरू करो, ऐसे काम नहीं चलेगा। कितने राक्षस पड़े हुए, जरासंध, शिशुपाल, दंतवक्र, कंस, चारु, पुष्टि, अभी कितने युद्ध करना, द्वारका में जाना, शुद्धि करना। प्रभु जी आप याद करो, आप क्यों आए? ब्रज लीला इतना मीठा है, आप तो ब्रज लीला में पूरा डूब गए हो, खुद का स्मरण करो, अब आए क्यों? इसलिए अगर आपका आदेश हो ना मैं प्लेटफॉर्म बना दू, बोले ठीक है प्लेटफॉर्म बनाओ। फिर कंस को उन्होंने भड़काया, बोले तेरे जो काल है ना, जो कृष्ण और कंस ने जो बताया था, जो आकाशवाणी हुई थी, बताया था ना देवकी का अष्टम गर्भ का संतान तेरे काल बनेगा, ये जो कृष्ण है वो देवकी का बेटा। बोले फिर? बोले रात में तू तो सोते रह गया, वसुदेव ने कहा सारे बेटे दे देगा, रात रात पहुंचा दिया, वो तेरा ही बेटा है वो, और वहां पर नंद के घर में कृष्ण बलराम रूप में बुलाओ और उनको यहीं पर ला करके मरवाया करो। फिर कृष्णा यही लीला समाप्त हुई, यही सही कृष्णा, ये लीला के बाद में कृष्ण चले गए कहाँ? मथुरा चले गए। फिर मथुरा में द्वारका में गए, फिर थोक दर का काम शुरू किया, थोक का काम शुरू कर दिया, एक एक साथ में हजार हजार राक्षस को मारे, तभी जाकर के ये पृथ्वी राक्षस से भीम हुआ। बोले किसी तीर्थ घाट।